मध्य प्रदेश के नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने दावा करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार में रेत अवैध उत्खनन कम हुआ है। अवैध उत्खनन रोकने के लिए अब साधु संत रेत उत्खनन की जगह बैठेंगे। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बाबा ने कहा कि जो कार्य बीजेपी और पीएम मोदी नहीं कर सके वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। रेत अवैध उत्खनन की घटनाएं आए दिन प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार में नदी न्यास अध्यक्ष बनाए गए कंप्यूटर बाबा इससे इत्तेफाक नहीं रखते। छतरपुर के खनिज विभाग की बैठक लेने आए कंप्यूटर बाबा का कहना है कि कमलनाथ की सरकार में अवैध उत्खनन कम हुआ है और यदि कहीं हो रहा है तो अब उन जगहों पर 2000 साधु महात्मा बैठेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं खाना खाएंगे और अवैध उत्खनन रोकेंगे। राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नहीं कर पाई वह काम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार नहीं कर पाई वो काम सुप्रीम कोर्ट ने करके दिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। वहीं टीकमगढ़ में कंप्यूटर बाबा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान के लगाए गए 7 करोड़ पेड़ में से 7 पेड़ भी नहीं दिख रहे हैं। पौधारोपण में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा और कांग्रेस को सत्ता में बैठने को लेकर बाबा ने कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर था, इसीलिए इस्तीफा दिया। अगर कमलनाथ सरकार काम नहीं करेगी तो इसके खिलाफ भी बोलूंगा। टीकमगढ़ में नदी न्यास अध्यक्ष के निशाने पर एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा रही। एक दिवसीय प्रवास पर टीकमगढ़ आए कंप्यूटर बाबा ने शिवराज सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज सिंह की सरकार में पौधारोपण में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जहां 7 करोड़ पेड़ लगाए जाने की बात की जा रही थी वहाँ 7 पेड़ भी नहीं दिखे। कंप्यूटर बाबा ने नदियों को लेकर कहा कि नदियों को कैसे साफ स्वच्छ बनाया जाए इसके लिए उनके द्वारा बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। भूतपूर्व सरकार शिवराज सरकार थी जिन्होंने 7 करोड़ तो पौधा लगाए थे अपने नाम कमाने के लिए, विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए, पर आज 700 पौधा भी नहीं है। तो ऐसा हमें नाम नहीं चाहिए, हमें ऐसा काम नहीं चाहिए जो पूर्व सरकार ने किया। रेत के उत्खनन पर बाबा ने बताया कि उनके द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है, यदि कहीं पर भी नदी में उत्खनन होता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक आयोग गठित किया जा रहा है, उसके सदस्य जिला स्तर से ब्लॉक स्तर पर बनाए जाएंगे और उसकी पूरी मॉनिटरिंग भोपाल से की जाएगी। कंप्यूटर बाबा ने भाजपा को भ्रष्टाचार से लिप्त बताते हुए कहा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार बढ़ने के चलते उन्होंने शिवराज सरकार से इस्तीफा दिया था। अगर कमलनाथ सरकार कार्य नहीं करती है तो वो इसके खिलाफ भी बोलेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।